देश में गर्मी और लू का कहर इतना है कि एक्टर शाहरुख खान भी इसकी चपेट में आ गए हैं। शाहरुख खान सोमवार को अपनी टीम केकेआर को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे, लेकिन भीषण गर्मी और लू की वजह से उन्हें अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि शाहरुख को डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा हुआ है, जल्द ही उनके डिस्चार्ज होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि आईपीएल के पहले क्वालिफायर मैच देखने के लिए शाहरुख खान और बेटे अबराम बेटी सुहाना खान के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे थे। उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम पर है। कई जगहों पर तापमान 45 को भी क्रॉस कर गया है। आने वाले अगले 4 से 5 दिनों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। देश के उत्तरी इलाकों में इस वक्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आने वाले अगले कुछ दिनों में तापमान और ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के इतिहास में पहली बार बिजली की मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच गई। इसी के साथ एक दिन पहले ही बना सबसे अधिक बिजली की मांग का रिकॉर्ड भी टूट गया। वहीं राजस्थान के भी कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में हीट स्ट्रोक के चलते रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी हो रही है, वहीं तमिलनाडु के करूर में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तस्वीरें तमिलनाडु के करूर जिले की है, जहां 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तमिलनाडु के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोग पानी में रहने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, भारी बारिश से सड़कें भी लबालब भर गई हैं। सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। दक्षिणी और पश्चिमी तमिलनाडु के कई इलाकों के साथ साथ कावेरी डेल्टा जिलों में भी पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 8 में एक साथ कई बिल्डिंगों में भीषण आग लग गई और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते इमारत की सभी मंजिलों में फैल गई। सूचना मिलने पर एक के बाद एक 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आस पड़ोस की इमारतों में आग ना फैले, इसको लेकर सबसे पहले दमकल कर्मियों ने इमारत के दोनों तरफ से पानी की बौछार की, जिससे आग आसपास के इलाकों में फैलने से रुक गई। आग लगने के बाद पहली, दूसरी और तीसरी मंजिलों पर कई कर्मचारी थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। कई घंटों तक दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड चार धाम की यात्रा पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। जांच के दौरान कई रजिस्ट्रेशन फेक मिले हैं। बुधवार को ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान झारखंड से आए 6 सदस्य दल का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। इसी तरह 35 लोगों का फर्जी रजिस्ट्रेशन मिला है, जिसके बाद ऋषिकेश कोतवाली में नोएडा की ट्रैवल एजेंसी के जरिए 65,000 रुपए एक धाम के दर्शन करवाने के लिए ले गए थे। इसी तरह दूसरे लोगों की शिकायत पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कोई ट्रैवल एजेंसी है जिनके द्वारा हमने बुक करा था, बट अभी उन्होंने फ्रॉड के थ्रू हमें रजिस्ट्रेशन, हमारी फेक रजिस्ट्रेशन बना दी है और वो डेट्स टैली नहीं कर रहे हैं, तो हमारी यात्रा यहीं रोक दी गई।